हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे डेफिनेट इंटरवल का। और क्वेश्चन रहा आपका ये, अब गिवन क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 10 ऑफ सिग्मा फंक्शन ऑफ साइन पाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू इसके एक्स के। क्वेश्चन आपका ट्रिकी है तो थोड़ा सा केयरफुली करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिग्मा फंक्शन कैसा रहता है, क्या डिफाइन रहती है आपका सिग्मा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू। इसके आपके तीन नेचर रहते हैं, या तो आपका आंसर माइनस वन रहेगा, कब रहेगा जब एक्स आपका कैसा होना चाहिए जीरो से छोटा, और या तो आपका आंसर जीरो कब जब एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जीरो, या तो आपका आंसर कितना होगा प्लस वन कब होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, या ओवरऑल इसको मैं बोलूं तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स कब लगता है जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो कब जब आपका एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जीरो, और इसकी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कैसी रहती है रियल नंबर, और रेंज इसकी रेंज हमेशा आप किसके बराबर आएगी, यही आंसर आएंगे इसके माइनस वन जीरो और वन, माइनस वन जीरो और वन। तो ये रहा हमारा सिग्नम फंक्शन। अब उसके बाद बात करते हैं साइन पाई एक्स की, साइन पाई एक्स। अब साइन कैसा फंक्शन होता है हमारा, पीरियोडिक इन नेचर। साइन का पीरियड कितना होता है आपका टू पाई। अब आपको फंक्शन दे रखा है साइन पाई एक्स, तो इस साइन पाई एक्स का पीरियड कितना बन जाएगा, तो हम निकालते कैसे हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपका कितना है, ये आपका एक्चुअल में पीरियड कितना होता है 2 पाई साइन का। अब बट हम निकाल रहे हैं इसका, तो हमने कितना डिवाइड करना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ, तो हमारे पास कितना बना 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इस फंक्शन का ओवरऑल फंक्शन का पीरियड कितना बन गया आपका 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मेरे पास ये कितना बन जाएगा इसका पीरियड कितना बना आपका 2। तो एक प्रॉपर्टी और भी है, 0 टू कितना एन टी, एन आपका नंबर और टी क्या है आपका पीरियड ऑफ फंक्शन, और एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स की। तो एन आपका आगे आ जाता है और 0 टू कितना टी, और एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स की। अब इस फंक्शन का ओवरऑल फंक्शन का पीरियड कितना है आपका 2। ठीक है, अब मैंने क्या करना है इसको इस फॉर्म में लिखना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0 2 कितना n इंटू टी, टी आपका कितना है 2 है, तो 10 को ब्रेक करिए कितना बन जाएगा 5 इंटू 2, और सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन पाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स की। तो अब प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, 5 आगे आ जाएगा और 0 टू 2, और सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स की। अब 0 से 2 तक आपका ये फंक्शन इसका कैसा नेचर रहेगा, अब यहाँ पे आपके पास मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, आपका आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड, और ये क्वाड्रेंट थर्ड और ये आ गया आपका फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड में साइन ये आपका कैसा रहेगा पॉजिटिव, और थर्ड और फोर्थ में आपका ये साइन कैसा रहेगा नेगेटिव। ठीक है, अब हमने लिमिट को करना ब्रेक करना, मेरे पास लिमिट है 0 से लेके कहां तक जाएगी 1 तक, और 1 से लेके कहां तक जाएगी 2। 0 से 1 तक आपका ये है x पाई x, जब 0 डालूंगा तो 0 बन जाएगा, जब 1 डालूंगा तो आपके पास बना पाई, मतलब 0 से पाई तक बात करूंगा। जब 0 टू 1 का मतलब 0 टू 1 का मतलब 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब हुआ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट इसमें पॉजिटिव रहेगा। अब उसके बाद आपने 1 से लेके 2 तक तोड़ना, 1 से 2 तक क्या मतलब हुआ इसका, यहां पे 1 डालिए 1 क्या बन गया पाई, और 2 डालिए तो कितना बन गया 2 पाई, मतलब तब हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं, हमारे पास बना है 5 इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, और सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन पाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स की। और आगे अगला क्या बन जाएगा, एक तो हमारी फर्स्ट और सेकंड जिसमें पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड जिसमें हमारा साइन कैसा रहेगा नेगेटिव, और प्लस 5 और इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू कितना 2, सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन पाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स की। अच्छा, अब आती है बात 0 से 1 तक, 0 से 1 आपकी वैल्यू ये कितनी वैल्यू लेगा, ये वैल्यू लेगा पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू लेगा तो आपने क्या बोला था, क्या डिफाइन की थी हमने पहले, एक तो माइनस का 1 और एक आपका 0 और एक 1 कब होगा जब एक्स लेस देन 0 है, तो आपका माइनस 1 और एक्स इक्वल टू 0 है तो प्लस 1, और एक्स इक्वल ग्रेटर देन 1 है 0 है तो आपका आंसर 1। यहाँ पे कैसे वैल्यू लेगा, क्योंकि है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो सिग्नम फंक्शन आपका कितना हो जाएगा 1, तो ये बना 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके एक्स के,
और प्लस 5, और ये बना 1 से 2 तक। 1 टू 2 का मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये बन जाएगा आपका कैसा नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसका मतलब x लेस देन 0 है, नेगेटिव है तो सिग्नल फंक्शन कितना बन जाएगा आपका -1 विद रिस्पेक्ट टू किसकी, x की। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। हमारे पास क्या बना, ये बना 5, 1 की इंटीग्रेशन कितनी बनी x, तो अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। अब इस माइनस को मैं ला रहा हूं बाहर, ठीक है, तो ये माइनस आपका बन गया इस, अंदर क्या बचा आपके पास 1, 1 की इंटीग्रेशन कितनी x, और इसमें भी लिमिट पुट कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास बना 5, और यहां पे अच्छा ये 5 था, 5 इंटू 2 माइनस 1 कितना बन गया आपके पास 1, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू बराबर 0, तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, सो थैंक यू।